दिन भर की चुनिंदा खबरों के लिए हमारे चैनल सिग्मा न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नई दिल्ली, पेट्रोल डीजल 5 दिनों में 3.20 रुपए महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की गई। दिल्ली में पेट्रोल 98.61 रुपए लीटर हुआ। दिल्ली में डीजल 79.87 रुपए प्रति लीटर हुआ। चौरी चौरा में डीएम और पुलिस पर पथराव, तोड़फोड़ व आगजनी। सिक्किम में तैनात रहे जगह के सैनिक धनंजय यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को घर आने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। परिजनों को मुआवजा और शहीद का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर कई गांव के लोग सड़क पर आ गए। रेलवे ट्रैक को घंटों तक जाम रखा ग्रामीण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शपथ लेने के बाद शनिवार को एक्शन में दिखे। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को टारगेट दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि 6 माह, 1 साल और 5 साल के लिए टारगेट तय कर उसका प्रेजेंटेशन करें। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना जून तक बढ़ाई। राज्य में 15 करोड़ गरीब लोगों को होगा फायदा। लखनऊ, आधिकारिक रूप से अखिलेश यादव नेता विपक्ष बने। लखनऊ, कचरा उठाने वाले और बेघरों के बनेंगे राशन कार्ड। वेब पोर्टल पर की गई पंजीकरण की व्यवस्था। खाद्यान्न वितरण से वंचित लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू। टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर जानकारी लेकर लाभ ले सकता है। मुंबई, आईपीएल 2022 का आज होगा आगाज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा शुरू 15वां संस्करण। लखनऊ, यूपी विधानसभा अध्यक्ष का 29 मार्च को होगा चुनाव। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप हॉल में होगा निर्वाचन। विधानसभा सदस्य 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं नामांकन। विधानसभा कार्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र। नए सत्र में नए विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन को लेकर प्रक्रिया शुरू। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की कार ट्रैक्टर से भिड़ी, हादसे में बाल बाल बचे। यूक्रेन हमला, रूस ने अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की। यूक्रेन को जर्मनी से हजारों मिसाइलें मिली।